हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं प्रत्येक दिन, ठीक है। तो आज के सेट में भी, आज मैंने आपको सुबह एक सेट दिया था, पांचवा सेट दिया था, अभी ये छठा सेट है। हमने कल नहीं दिया था, मैंने कहा था कि आज ही आपको दो सेट दे दूंगा, तो ये छठा सेट आज है हमारा। तो यहाँ पर आप लोगों को भी 30 प्रश्न मिलने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यूटेट या सीटेट के साथ साथ आप अगर एलटी और लेक्चरर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्क्रीनिंग की, ठीक है, तो उसके लिए भी देख लेना दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद ये प्रश्न करेंगे। आप लोगों में से एक व्यक्ति का मैं कमेंट अभी पढ़ रहा था, तो उसने लिखा था कि अगर ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में नहीं आए तो क्या हो सकता है भाई, क्यों नहीं आएंगे। देखिए इतने सेट मैंने करा दिए हैं आपको ना, कितने सारे प्रश्न करा दिए हैं और मॉडल प्रीवियस पेपर भी कराए हैं, क्यों नहीं आएंगे भाई, कुछ तो आएंगे। आपने देखा था पिछली बार के कितने रिपीट हुए थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब नहीं आएंगे तो बिल्कुल इस तरीके से बोल रहा था भाई वो कि नहीं आएंगे तो क्या फांसी की सजा दे देना मुझे, और क्या हो सकता है, क्या ही बात करेंगे यार, है ना। जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही होती है ना, तो फिर लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता होती है, कितना हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, टाइप कर रहे हैं वगैरह, तो लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, चलिए पहला प्रश्न है, शिशु में कब भय और क्रोध से संबंधित संवेगों का विकास होने लगता है। देखिए यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुई है, तो संवेगों का विकास होने लगता है, तो दोस्तों यहाँ पर को एक वर्ष में जो है इनमें संवेगों का विकास होने लगता है, ठीक है, भय और क्रोध से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं किशोरा अवस्था में, ठीक है, किशोरा अवस्था में बनते हैं। आगे है, जब तक नई आदत आपके जीवन में पूर्ण रूप से स्थायी ना हो जाए तब तक किसी प्रकार का अपवाद नहीं होने देना चाहिए, तो ये किस विद्वान की परिभाषा है दोस्तों, तो ये कहा है जेम्स ने, ऑप्शन ए यहाँ पर को ठीक होगा, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, बिल्कुल ठीक है, जब तक जीवन रहेगा आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, नया कार्य करना है, बिल्कुल सीखना एक नया कार्य करना भी है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है सीखना, ठीक है, ये दोनों भी ठीक है, तो यानी कि उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, किस विधि में विभिन्न विषयों पर भाषाओं का आयोजन किया जाता है और इन विषयों के हर पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होता है, वर्कशॉप, ठीक है, या वर्कशॉप ही होगा। तो वर्कशॉप विधि में क्या होता है, विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है और हर पहलू का जो है छात्रों के द्वारा अध्ययन किया जाता है वर्कशॉप विधि में। आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तो वे दो शब्द कौन से हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर साइकी प्लस लॉगस, ठीक है, लॉगस यहाँ पर भी है लेकिन ये स्पेलिंग सही नहीं है, साइकी प्लस लॉगस यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करते हुए स्किनर ने तथ्य अंकित किए, ठीक है, तो स्किनर ने कौन कौन से तथ्य अंकित किए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है, ठीक है, तो स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है, तो ठीक है बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है, बिल्कुल ठीक बात है, शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका भी सही होने वाला है। आगे देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, ये भी ठीक बात है, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी ठीक, उपर्युक्त सभी इसमें भी ठीक होगा। आगे देखते हैं, कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है, ठीक है, तो मनोविज्ञान की परंपरागत विधि दोस्तों आत्मनिरीक्षण विधि जो होती है, इसको मनोविज्ञान की क्या कहते हैं, परंपरागत विधि माना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल प्रवृत्तियों के पहलू हैं, दोस्तों मूल प्रवृत्तियों में ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है, देखिए मूल प्रवृत्तियों के पहलू ये तीनों होते हैं, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के तीन ही पहलू होते हैं, तो जो है ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन सा मनोविज्ञान है, तो मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल्स, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से शिक्षण पद्धति खेल विधि पर आधारित है? तो दोस्तों खेल विधि में आपको पता है किंडरगार्टन पद्धति और मोंटेसरी पद्धति, ये दोनों क्या हैं, खेल पद्धति पर आधारित विधियां हैं, यानी कि ऑप्शन सी ठीक होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, किस प्रकार के खेलों में बालक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और ध्वंस करता है? तो दोस्तों रचनात्मक खेलों में क्या करता है, बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण भी करता है और उनको ध्वंस भी उनका करता है। ठीक है, चलिए, ह्यूरिस्टिक पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? दोस्तों ह्यूरिस्टिक पद्धति आपको पता होना चाहिए आर्मस्ट्रांग के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान और तनाव का काल किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा। ठीक है, किसने बताया, स्टैनले हॉल ने बताया है। आगे देखें, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो ये बाल्यावस्था में कम हो जाती है। आपने देखा होगा बालकों को जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनकी लंबाई चौड़ाई वगैरह, उनकी ग्रोथ जो होती है बहुत जल्दी होती है, लेकिन बीच का एक समय ऐसा आ जाता है जब 5-6 साल से लेकर के 8-10-11, 9-10-11 साल तक के बच्चों के बीच की एज, ऐसा लगता है कि बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो लगभग वैसा ही रहता है, मतलब बहुत स्लो स्पीड हो जाती है ना, फिर 10-11 साल के बाद फिर एकदम से फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बाल मूंछ वगैरह ये सारे आने, ठीक है, शरीर का थोड़ा विकास होना, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन बीच का एक पीरियड ऐसा होता है जहाँ पर लगता है कि इनमें कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन बी है इसका, बाल्यावस्था। नेक्स्ट है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, तो वह क्या कहलाती है? देखिए, आपको एक चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है, तो इंसान में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, यानी कि कितने जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र हो गए। ठीक है, तो 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, जब युग्मक बनते हैं तो महिला का XX और पुरुष का XY जो है, इनमें से एक यहाँ से एक यहाँ से आता है, लेकिन जो ये स्थिति है यहाँ पर जो है ये जोड़ा अलग नहीं हो पाता, ये पूरा का पूरा आ जाता है, तो इसका मतलब 46 गुणसूत्र के बजाय कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 47 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाएगा, तो एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन देखिए इसको ट्रिक कैसे याद करना है आप, तो एक बढ़ेगा तो उसका उल्टा डाउन हो जाएगा। ठीक है, नाम हो जाएगा डाउन लेकिन बढ़ेगा एक, तो इस प्रकार से ये डाउन सिंड्रोम होता है। आगे देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? देखिए कैसे कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है वो, नैतिक मूल्यों का को विकसित या उन नैतिक मूल्यों का बच्चे में विकास कर सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो कितना होना चाहिए, मतलब कितने विद्यार्थियों में टीचर, कितने टीचर होने चाहिए। अगर मान लीजिए 200 से अधिक अगर संख्या है तो वो अनुपात होता है दोस्तों 1:40 का। ठीक है, यानी कि 40 विद्यार्थियों में कितने टीचर होने चाहिए, एक, अगर 200 है तो फिर कितने हो जाएंगे, फिर 4×16=20, यानी कि 5 टीचर। ठीक है, 5 टीचरों की आवश्यकता होगी 200 में। आगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का क्या मतलब होता है? तो साथियों देखिए, सरकारें, अब क्या इसका मतलब ये होता है कि केंद्र सरकारें प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देंगी? नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। अनिवार्य शिक्षा का मतलब होता है कि जो सरकारें होंगी, ठीक है, उचित सरकारें होंगी, यानी कि जो भी सरकार आएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की आए, कोई भी सरकार आए, तो उचित सरकारें से ये मतलब है। ठीक है, उचित सरकारें क्या करेंगी, दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की जो पूर्णता है उसको सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है, उसमें उनकी एडमिशन से लेकर के उनकी व्यवस्था से लेकर के सारी कुछ चीज़ें जो है अरेंज गवर्नमेंट करने वाली है, तो ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, तो ये किस तरफ को इशारा करता है भाई? तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर बच्चों को सिखाना है तो आपको बच्चों से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों से क्या सीखना पड़ेगा, हमको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, अब ये नहीं कि हमको किसी चीज़ का उत्तर सीखने की बच्चों से ज़रूरत है। बच्चों से सीखने का मतलब है, हमको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हम जानते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी हम जानते हैं,
तो हमको वो हम बच्चों से सीखेंगे कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चा किस चीज़ में रुचि ले रहा है, बच्चे को किस मेथड की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हम बच्चे से सीखेंगे और बच्चे को फिर हम वापस सिखाएंगे। ठीक है, तो यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की ओर कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं शिक्षा जो है किसके लिए होती है, बालक के लिए होती है, तो इसलिए हम इस शिक्षा का जो स्वरूप है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। आगे भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से थोड़ा अलग तरीके से पूछा था, एलटी में भी आया था इस बार। ठीक है, तो भाटिया जो है ये बुद्धि के लिए है दोस्तों, बुद्धि के लिए ये परीक्षण किया जाता है। आगे देखेंगे, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, ये शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते देखिए, कोई विद्यार्थी है तो एक उसके साथ का ही कोई दूसरा लड़का है, वो उस लड़के के बारे में बोलता है, मतलब अपने टीचर से बोलता है कि टीचर देखो उसका दादा आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए करके उसको डांट देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना हुआ, आपकी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है, फिर उसका रिप्लाई आएगा हाँ उसके दादाजी आए हैं, उसको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से बोला जाना चाहिए था। ठीक है, तो बच्चे को उसके बारे में सीख जाएगा वो। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे को अगर मातृभाषा में सिखाया जाएगा तो वो ऐसा महसूस करेगा जैसे वो अपने प्राकृतिक वातावरण में, अपने घरेलू माहौल में, एक अपनेपन में, एक उसमें जो है वो शिक्षा लेगा, लर्निंग करेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में इससे सहायता मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखें, जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग, वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाए जो वास्तविकता से मीलों दूर हो, वैसी धारणा को कहा जाता है, तो वैसी धारणा को क्या कहेंगे हम, रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, हम जो पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, उसकी वास्तविकता से मीलों तक कोई भी जो है वास्तविकता नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविकता नहीं, लेकिन हमने सुना है किसी चीज़ के बारे में, तो जैसे जाति के बारे में है तो हमको पता नहीं है कैसे बनी, क्या बनी, ये वो सारी चीज़ें हमको नहीं पता, लेकिन उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सुन रखी हैं, तो वही हमारे अंदर एक घर कर गई है। जैसे महिलाओं के बारे में कोई चीज़ है या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। आगे देखते हैं, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली महिला के रूप, काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में किसी पुरुष को दर्शाया गया है उन चित्रों में, तो इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या क्या बढ़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे अगर चित्र दिखाए गए होंगे तो उसमें लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उससे ये अंदाज़ा लग जाएगा, मतलब ऐसा माना जा कह सकते हैं आप कि जो घरेलू कार्य करने की चीज़ें हैं या कुछ ऐसे काम हैं तो वो केवल महिलाएँ उन चीज़ों के लिए होती हैं। जैसे कुछ खास कलर हैं, जैसे पिंक कलर हैं, तो ठीक है, क्या पिंक कलर के जो है पुरुष वस्त्र या किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उनका थोड़ा सा मजाक बनाया जाता है कि लेडीज टाइप की पसंद है, तो एक प्रकार से रूढ़िबद्धता में आ गया। ठीक है, कुछ कलर हैं, कुछ कपड़े हैं, कई विशेष चीज़ें होती हैं, तो जबकि वहीं पर डॉक्टर, पायलट वगैरह ऐसे कुछ साहसिक कार्य हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य हैं, तो उसमें पुरुषों का चित्र और वह दिखाया जाता है, तो ये एक प्रकार से लिंग रूढ़िबद्धता को ही दर्शाता है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, तो भाई व्यक्तिक भिन्नता पर, इंडिविजुअल डिफरेंस पर उसका ध्यान होना चाहिए। अगर उसका ध्यान होगा कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता है और जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होता है, ठीक है, तो उनके अनुसार ही वो करेगा ना। अगर एक ही बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाएगा तो फिर वो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, कहीं कुछ काम नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, ठीक है, कब हो सकती है, जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएंगे। ठीक है, जब बच्चों की प्रगति, कितनी प्रगति हो रही है लर्निंग के बाद, तो वो चीज़ को हम जांचेंगे नियमित रूप से, और फिर उसके साथ ही साथ, खाली जांच लिया ये काम ख़त्म नहीं हुआ, उसके साथ ही साथ हम उसमें क्या करेंगे, आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए मौखिक प्रश्न जो है ये ठीक है, सत्र परीक्षा, दोस्तों सत्र परीक्षा यानी कि जो सत्र के अंत में या सत्र में होती है वो परीक्षा इसके लिए नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद प्रश्नोत्तरी और खेल है, और दत्तकार्य प्रोजेक्ट वर्क, ये तीनों होंगे। आगे देखेंगे, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है,
तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप पकड़ करके उसको पेल देंगे ना, लेकिन ये वास्तविकता में ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हम सभ्य इंसान बनकर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल काइंड इंसान बनकर हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो रियलिटी में होता है। और आप लोग और हम लोग जो स्कूलों में करते हैं, अगर वैसा हो तो फिर हम तो फेल हो जाएंगे, है ना। तो ये नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसे डांटेंगे नहीं, उससे बातचीत करेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, किसी चीज़ में आपको दुविधा है, उसकी जो प्रॉब्लम है ना, कुल मिला के उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, ये 30 प्रश्न थे दोस्तों आज के सेट से, ये छठा सेट था, ठीक है। और कल के सेट में मैंने आपसे, सेट 5 में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, सृजनात्मकता की प्रमुख घटक कौन से, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी आर, ठीक है। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी है, आप लोगों में से सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। फिर से बोलता हूँ, सभी लोग जो है कमेंट करें दोस्तों और प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। आज के सेट का उत्तर है, अभी का जो इस सेट का प्रश्न है वो है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना बढ़ावा देता है, प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़ावा देता है, या तटस्थता की भावना को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, एक अध्यापक की बात हो रही है, तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग जो है फटाफट से कमेंट करके देंगे। कमेंट करने में आपका ना पैसा लग रहा है ना ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हमको सपोर्ट करो यार, आप लोगों से इतनी विनती है, हम लोग भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैटर अलग अलग किताबों से लेने हैं, टाइप करना है, वीडियो बनाना है, एडिट करके आपको पोस्ट करना है, काफ़ी मेहनत हम भी करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए करो, वीडियो को शेयर करो, हम भी मोटिवेशन हमको भी मिलनी चाहिए, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे थोड़ा, तो फिर काम करने के लिए नई एनर्जी हमारे शरीर में भी आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का सेट था, अगर आप हमको कुछ हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे थैंक्स लिखा हुआ, वहाँ पर से क्लिक करके आप हमें थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों तक हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करना है आपने दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों।